हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, आज मैं आपको एक फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ जिसमें कि आप विदाउट कोडिंग आप यूज़र फॉर्म बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका डेटा टेबल है उसके हेडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एक डेटा हेडर ले रखा है मैंने। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है आपका, मैंने एक ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक बना दिया है कि कौन सा स्टॉक हम कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितने रुपये का खरीद रहे हैं, कितने रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है, उनका ब्रोकरेज, उनका ट्रांजेक्शन टैक्सेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, GST, सेवी चार्जेस वगैरह हैं, और आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। ठीक है, तो आपको जो ये दिख रहा है ब्रोकरेज के नीचे यहाँ पर, ये सब मैंने फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर जाना है, यूट्यूब पर टाइप करना विकास एडी क्लास, और सब्सक्राइब का बटन दबाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट। कि जब आप यहाँ पर हो, मान लो अपने एक्सेल शीट आपके ओपन है, सबसे पहले फाइल पे जाओ, उसके बाद आपको ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन पे जाने के बाद आप कस्टमाइज रिबन पे जाना। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू ग्रुप आएगा, न्यू ग्रुप करके यहाँ पर डाल दो, उसका नाम रीनेम कर दो फॉर्म से। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म्स के नाम से रीनेम हो गया। अभी क्या करो, यहाँ पर देखो फॉर्म आएगा, यहाँ पर फॉर्म सर्च कर लो। ठीक है, ऐप से आएगा नीचे, सॉरी एक सेकेंड, कस्टमाइज नॉट इन द रिबन में जाना, यहाँ पर फॉर्म आएगा। ठीक है, नीचे फॉर्म आ गया, इसको आप ऐड कर लो, ये इसके नीचे ऐड हो गया। ठीक है, अब साथ साथ यहाँ पर इसको क्विक एक्सेस टूल बार पे भी क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखो, अभी तो फिलहाल यहाँ पर है, वैसे मैं इसको यहाँ पर एक बार भी रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर आया हो गया, तो यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये पॉपुलर कमांड्स है ना, इसको हटा देना पहले, यहाँ पर कमांड नॉट इन द रिबन पे कर देना, यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉर्म वगैरह, इसको भी ऐड कर दो। ठीक है, और ये जो शो एक्स क्विक एक्सेस टूल बार है, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर ओके कर दो। ठीक है, बन गया। अब क्या करना है आपको, ये जो पूरा हेडर था इसको यहाँ से पूरा एंड तक सिलेक्ट कर लो, पूरा सिलेक्शन हो गया। और जो आपका जो फॉर्म्स है वो दो जगह आएगा, एक तो मैंने यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में लिया था, यहाँ आ गया, और एक आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, आप इन दोनों में से कहीं पर भी क्लिक कर दो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ, इस जगह पर क्लिक करा तो देखो आपके पास ये इस तरीके से खुल के आ गया। ठीक है ना, तो जितने भी है ना, ये आपके हेडर टाइप आ गए यहाँ पर, जो वैल्यू ये जो आ रहा है, जहाँ पर ये आपका कर्सर जा रहा है यहाँ पर आप वैल्यू डाल सकते हो, और बाकी जहाँ पर ये हाइफन हाइफन आ रहा है, यहाँ मैंने फॉर्मूले लगा रखे थे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ वैल्यू डालनी है। जैसे ट्रेडिंग टाइप मान लो मैंने डाल दिया MIS, MIS का मतलब होता है इंट्राडे, जो हम डेली खरीद फरोख्त करते हैं। स्टॉक नेम डाल दिया मान लो मैंने टाटा पावर। ठीक है, बाय क्वांटिटी मैंने डाल दिया 100, बाय प्राइस मान लो 220 का मैंने खरीदा था, सेल क्वांटिटी मैंने 100 की 100 बेच दी, और मैंने मान लो सेल प्राइस था मेरा 240, और एंटर मार दो। तो देखो आपका डेटा, ये देखो आ गया पूरा, देखो आ गया ना, MIS, टाटा पावर, बाय क्वांटिटी, बाय प्राइस, टोटल टर्नओवर, सेल क्वांटिटी, सेल प्राइस, सेल्स का टर्नओवर। ठीक है, ब्रोकरेज चार्जेस आपका इतना, STT आपका इतना है, ट्रांजेक्शन चार्जेस इतना, GST इतना, सेवी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, और आपका तो अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है 1975। ठीक है, मतलब कि अगर आप 100 शेयर खरीद रहे हो 220 पे, और वही 100 शेयर आप 240 रुपये बेच रहे हो। ठीक है, तो आपको जो टोटल चार्जेस वार्जेस मिलाने के बाद मिलेगा, वो मिलेगा 1975 रुपया। ठीक है, अभी इसी के बाद हम क्या करते हैं, हम यहीं पर फिर से टाइप, यहीं पर ही क्लिक करते हैं, A1 पे मैंने क्लिक कर दिया, फॉर्म का बटन दबा दिया। देखो अब मैंने क्विक एक्सेस टूल बार से लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने न्यू बटन, तो न्यू पे यहाँ पर आ रहा है, तो न्यू पे क्लिक कर दो। अब टाटा की जगह मान लो मैंने लिया, मान के चलो LIC का शेयर। ठीक है, LIC, सॉरी ट्रेडिंग टाइप आ गया। अब इक्विटी की जगह पहले मैं ले, ओ MIS की जगह पहले मैं ले रहा हूँ इक्विटी, तो मैंने इक्विटी ले लिया, इक्विटी, स्टॉक नेम डाल दिया मैंने LIC। ठीक है, बाय क्वांटिटी मान लो मैंने ले लिया 200, बाय प्राइस था 700, मैंने सेल क्वांटिटी 200 ले लिया, और सेल प्राइस डाल दिया मैंने मान के चलो 690 पे, मैंने नुकसान में बेच दिया, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये एंट्री हो गई मेरी। अब देखो ये देखो इक्विटी में LIC में आ गए। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका -2310। अगर आपने 200 शेयर खरीदे 700 के हिसाब से, और अगर आपने 200 शेयर बेच दिए 690 पे, ठीक है, तो आपका जो नुकसान हुआ है वो हुआ है टोटल चार्जेस मिला के 2310 का आपका लॉस हुआ है। ठीक है, अब ये मैं एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं MIS पे। अब मान लो यहाँ पर न्यू एंट्री फिर से क्लिक करी मैंने, अब मान लो मैं MIS कर रहा हूँ, MIS सेलेक्ट कर लिया, स्टॉक नेम डाली मैंने रिलायंस, बाय क्वान्टिटी 400, बाय प्राइस मान लो मैंने डाल दिया 50, सेल क्वांटिटी मैंने डाल दिया फिर से 400, आप 400 से कम भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है,
सेल प्राइस डाल दिया मैंने मान के चलो 60, एंटर मार लो। ठीक है, तो देखो डेटा मेंटेन हुआ यहाँ पर पूरा सारा, आपका बाय परचेज सब आ गया और ये आपका आ गया यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 3,975। ठीक है जी, अब आप सोच रहे होगे कि ये यार ये वैल्यू कैसे आ रही है फॉर्मूला। तो देखो ये जो है ना एक यहाँ पर फॉर्मूले की शीट है कि ज़ीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस है। ब्रोकरेज अगर इक्विटी है तो 0% है, इंट्राडे है तो 0.003% और 20 विच एवर इज लोअर। मतलब अगर जो भी ब्रोकरेज होगा, अगर उस जो भी आपका टर्नओवर आएगा, जितने अमाउंट का आपका बाइंग हुआ है, मतलब 100 शेयर आपने 100 रुपये के खरीदे तो 10,000 हो गया, और 100 शेयर आपने 110 के बेचे तो आपका हो गया 11,000। तो टोटल कितना हो गया, 21,000। तो 21,000 का 0.003% और या फिर 20 जो भी कम होगा वो आपका ब्रोकरेज हो जाएगा। एसटीटी सीटीटी 0.25% ऑन द सेल, तो हमने ये वो लगाया वैल्यू है, उसको हमने फॉर्मूले के थ्रू वहाँ पर लगाया। ठीक है, ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.00345% दोनों में सेम है। एसटीटी इक्विटी में 0.10 है और इंट्राडे में 0.025% है। जीएसटी 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं। सेवी चार्जेस 10 रुपीज़ पर करोड़, स्टैम्प चार्जेस 0.015% और 1500 पर करोड़, दोनों में सेम है। तो मैंने क्या किया था यहाँ पर, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लगा रखे हैं। ये फॉर्मूले थोड़े से मतलब थोड़े हैं ट्रिकी फॉर्मूले हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मूले कैसे लगाएं, कैसे इन फॉर्मूले का हमने लॉजिक रीजनिंग करी है, वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हो गया मेरे पास, तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म बना सकते हो। तो बस देर किस बात की, YouTube पर टाइप करें विकास एडुक्लास और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर।